के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने आज करनाल में दयालपुरा गेट पर एक निजी होटल में शिरकत की। यहां पर वह पत्रकारों से रूबरू भी हुए। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया जिससे चर्चाओं का बाजार भी गर्म नजर आ रहा है। आपको बता दें कि पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ौदा उपचुनाव में इस्तीफा देकर मैदान में आते हैं तो वह भी उनके खिलाफ ताल ठोक देंगे और उनको सहज ही अपनी लोकप्रियता का पता चल जाएगा, क्योंकि जनता भाजपा सरकार से दुखी हो चुकी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए यह भी कह डाला कि बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस साठ गांठ करके चुनाव लड़ रही है, वह अपने दम पर कभी चुनाव जीत ही नहीं सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता 2019 विधानसभा चुनावों में कृष्ण हुड्डा की टिकट कटवाना चाहते थे। जींद का उपचुनाव कांग्रेस के नेताओं की वजह से रणदीप सुरजेवाला हारे थे। तंवर ने कहा कि उनके सूत्र बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से टिकट राम विलास शर्मा को मिलेगी। तंवर ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि वह एक डॉक्टर है और नेताओं की सर्जरी करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी को जितवाने के लिए कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंक दी है, जिससे यही साबित हो रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलकर बड़ौदा उपचुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए पूर्ण रूप से विरोधी है, इसीलिए हर विधायक और सांसद को किसानों के हक में इस्तीफा देना चाहिए। देखिए जी, पहली बात तो ऑफिशियल हुई है नहीं हुई है, हम तो सुबह सुबह आप सब करनाल के साथियों के साथ नाश्ता करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और जैसी चर्चा है वो यही है कि कुछ बाहर से आयातित जो है उन लोगों को कांग्रेस उम्मीदवार बनाएगी, क्या होगा वो तो एक अलग बात है। लेकिन पहले भी 2014 का जब चुनाव था तब भी आदरणीय श्री कृष्ण हुड्डा जी, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, जिनके देहांत से ये उपचुनाव आया है, उनकी 2014 में भी कुछ लोग टिकट काटना चाहते थे, लेकिन उस समय भी हमने स्टैंड लिया तो उनको टिकट मिली थी। और अब जब उनके उससे आकस्मिक निधन से ये सीट खाली हुई है, तो सबसे पहले तो हक बनता है परिवार का, लेकिन कुछ लोगों को कुछ लोग पसंद नहीं आते, वो हमेशा उनके हितों के ऊपर प्रहार करने का काम करते हैं, बाकी तो आगे देखेंगे। लेकिन साथ साथ भाजपा और कांग्रेस साठ गांठ करके चुनाव लड़ रही है, ये मैंने पहले भी कहा है और आज उन्हीं की वजह से ये सरकार भी है। इस चुनाव में भी जो साठ गांठ का नतीजा है वो जल्दी आपके सामने आएगा, लेकिन जो मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर लोग और जिनको लोग चाहते भी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी भी उनकी पूरी तरीके से अनदेखी करेगी। पहले बड़े सुरजेवाला जी जब जिंदा थे तो कहते थे कि भाई कांग्रेस बच्चा खानी पार्टी है, तो उस समय कांग्रेस के यानी कि एक नौजवान पीढ़ी तैयार थी, बड़े बड़े नेता थे, और उस कॉन्टेक्स्ट में वो कहते थे ये बड़े जो नेता हैं जो कई कई दशक से बैठ जाते हैं वो नई जनरेशन को आने नहीं देते। अब भारतीय जनता पार्टी में भी यही शुरू हो गया है। अब योगेश्वर दत्त उनकी नौकरी छुड़वा ली, एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे, लेकिन आज उनको भी दर दर धोकर वहाँ ठोकर खानी पड़ रही है, बता रहे कि वो आज खिलाड़ियों को लेकर के पहुँचे। ये नौबत क्यों आई? ये नौबत इसलिए आई कि भाजपा और कांग्रेस की साठ गांठ हो रही है, उस बेचारे की टिकट कट रही है। और मेरे जो सूत्र कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि रामविलास शर्मा वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो इस तरीके से अगर मिल करके चलता रहेगा तो मैं समझता हूँ कि ये ना हरियाणा के हित में है ना लोकतंत्र के हित में है, और इसीलिए कांग्रेस सड़कों के भी ऊपर दिख नहीं रही। राहुल गांधी जी के दौरे जो तीन दिन के थे मात्र तीन घंटे में ख़त्म करवा दिए, इतने निकम में एक कांग्रेसी नेता है यहाँ पर, ना तो भीड़ इकट्ठी कर पाए और ना जो है वो तरीके से आपस की जो गुटबाजी है, अनुशासनहीनता है, ये तो कांग्रेस के अंदर ट्रैक्टर पे तो सभी खेमे सवार थे। नहीं, सभी खेमे क्या, आपने देखा होगा राहुल जी को, उन्होंने एक ट्रैक्टर पर आने के चक्कर में, सीट पर बैठने के चक्कर में था, राहुल जी ने उनको कहा कि भाई दूर रहो,
सब कुछ धक्का जबरदस्ती से नहीं चलता। आपने राज्यसभा ले ली, आपने और धक्के से वो कर ली, भाजपा से आप मिले हुए हो, तो ट्रैक्टर की तो वो सारे वीडियो वायरल आप लोगों ने देखे हैं। लेकिन आज कांग्रेस को सड़कों के ऊपर होना चाहिए। पंजाब में देखो सड़कों के ऊपर है, पंजाब में वहाँ की सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि एक स्पेशल सत्र आएगा। ये कृषि जो कानून आए हैं, काले कानून जिनको कह रहे हैं, इनको लेकर के लोग सड़कों के ऊपर हैं। लेकिन अब यहाँ हरियाणा के अंदर भी विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने घोषणा करी है कि विशेष सत्र आएगा, और ऐसा ही अगर किसान हितैषी वाक्य में है तो कांग्रेस को दबाव बनाना चाहिए विशेष सत्र के लिए, नहीं तो इसी तरीके से किसान मजदूर गरीब आदमी मारा जाएगा, व्यापार व्यापारी खत्म हो गया, बांग्लादेश भारत की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ने की कगार पर है, जीडीपी के हिसाब से जो प्रोजेक्शन आईएमएफ का आया है, तो बहुत सी चीजें हैं। पिछले चुनावों में सर अशोक तंवर ने जेजेपी का साथ दिया था, लेकिन जेजेपी के दुष्यंत चौटाला जो है बीजेपी में शामिल हो गए, तो उसका दुख आपको भी हुआ होगा कहीं ना कहीं? नहीं, हमें तो दुख जब लोगों के काम नहीं होते, लोगों के हित में अच्छे फैसले नहीं होते, तो वो दुख तो होता ही है। लेकिन उस समय की जो एक हमारी भी मजबूरी थी कि कहीं ना कहीं, क्योंकि इतनी मेहनत सब लोगों ने की थी और सब साथियों का मानना था कि जो लोग हैं उनको आने वाले समय में अच्छे लोगों को, युवाओं को मौका दें, तो हमने युवाओं को समर्थन दिया था। भी और भी बहुत लोग थे, इंडिपेंडेंट्स भी थे, और जो कांग्रेस में लोग हमारा साथ देते थे हमने उनका भी साथ दिया था। वो बहुत स्थिति बदल गई है, और आने वाले समय में हम तो कह ही रहे हैं कि हरियाणा और ये देश विकल्प चाहता है, इन दोनों पार्टियों से छिक चुका है, ये मिल उनके एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं, तो फिर उनको भी कैसे बर्दाश्त कर लें। लगता है सर बड़ौदा चुनाव दोबारा दौड़ेगी, साइकिल भी दौड़ेगी, मैं भी दौड़ूंगा, आप सबको भी दौड़ाऊंगा। बड़ौदा चुनाव के नतीजे लगता है कि आने वाली राजनीतिक पार्टियों का जो भविष्य है या चार साल बाद जो चुनाव होंगे उसका तय करेगी? देखिए, ये बड़ौदा तो भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया कांग्रेस ने, इससे कुछ तय नहीं होना। उपचुनाव में पैसा पावर का इस्तेमाल को बहुत होता है, वो तो खूब कर रहे हैं, उन्होंने जो जींद में खाए थे, आज भी जींद वालों से जा करके पूछो, बड़ौदा से कोई ज़्यादा दूर नहीं है। बड़ौदा वाले एक एक दिन जाके थोड़ा सा दौरा करके आ जाएं जींद का, तो उनको पता चल जाएगा कितने झूठे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले और झूठों के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन कई बार उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि जब जो मेन मुख्य विपक्षी दल है, देखाने में मुख्य विपक्षी दल है नहीं विपक्ष में कहीं, वो जब वही उनको जिताना चाहेगा तो फिर कौन उनको वो करेगा। सर, एक अशोक तंवर के कार्यकर्ता जो हैं वो मायूस नजर आ रहे हैं क्योंकि काफी समय से खाली बैठे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरफ जाएं। काफी कार्यकर्ता टूट भी रहे हैं कि अशोक तंवर ने अब तक स्टैंड नहीं लिया कहीं पर, अपनी पार्टी नहीं बनाई, कोई घोषणा नहीं की, किसी को मायूस नहीं, सब खुश है। खुश इसलिए है कि इतना काम करने के बाद जिस पार्टी को अपने अच्छे लॉयल, मेहनती, संघर्षशील, ईमानदार लोगों की या वर्करों की कदर नहीं है, उस पार्टी का नाश होना तय है। और ये तो प्लेन क्रैश होगा, उस प्लेन से हमने ऊपर वाले ने हम सबको निकाल लिया, बचा लिया, तो हम तो ये कहते हैं ऊपर वाले बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद बना रहे, हम तो भाग्यशाली लोग हैं, निर्भाग्य है जो वहाँ पर बचे हुए हैं। अरे वो मरना ही मरना है उन्होंने राजनीतिक तौर पर, उनको कोई नहीं बचा सकता। ऑपरेशन करेंगे किसी का? कांग्रेस से बदलाव होता है तो क्या आप वापसी करोगे? कुछ नहीं, कौन सा बदलाव, क्या बदलाव करेंगे? जिनके जेब में 1-1 लाख करोड़ रुपए हैं, हजारों करोड़ रुपए के जिन्होंने भ्रष्टाचार करे, उनको बदल सकते हैं? उनको हटा सकते हैं क्या? एक गुलाम जाने से दूसरा गुलाम आने से कुछ फर्क पड़ना है? कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएनए की नहीं, हरा रंग का क्या, ये तो सर्जरी का है, मैं डॉक्टर हूँ, राजनीतिक डॉक्टर, डॉक्टर अशोक तंवर, हम ये सारे नहीं करते। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि जींद चुनाव में रणदीप सुरजेवाला को हराने के लिए मैं कप प्लेट में चाय पी जाऊँ। अरे कप प्लेट ले भाई, कप प्लेट, कप प्लेट। तो कांग्रेस के लोगों की वजह से ही हारे थे? तो बिल्कुल हारे थे, इसमें शक क्या है, बताओ किसने काम किया? मैं तो 22 दिन था, नहीं तो भाई की जमानत जब्त करवा देते ये लोग। तो सर सवाल भी मेरा यही था कि आपकी छोड़ने की वजह से कांग्रेस को नुकसान हुआ। अरे भाई, जब कांग्रेस पूरे देश को नुकसान कर रही है तो कांग्रेस का नुकसान देखे, देश का देखे, जनता का, किसान मजदूर का, गरीब का वो देखे, नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उनका दर्द कांग्रेस के दर्द से ज़्यादा बड़ा है, हमारे सबके दर्द से बड़ा है, और उस दर्द को दूर करने के लिए हम पूरी मजबूती से और ज़्यादा ऊर्जा के साथ निकले हुए हैं। तंवर जी, तंवर सर, हरियाणा सरकार
बड़ौदा के अंदर विकास की गंगा बहाने के लिए दे धड़ाधड़ प्रोजेक्ट ला रही है वहाँ पर, तो क्या लगता है कि बड़ौदा की जनता सरकार के बहकावे में आ जाएगी? इनको खट्टर साहब को या इनकी सरकार को ये नहीं पता था कि बड़ौदा भी पहले भी इस हरियाणा में है, इसी धरती पे है। तब इन्होंने 6 साल इनकी सरकार को लिए, पहले 10 साल एक राज कर गया और बड़ौदा का हाल देख लो। तब वहाँ के लोगों को यूनिवर्सिटी की जरूरत नहीं थी, तब वहाँ के लोगों को IMT नहीं दिखाई दी थी, तब इन्होंने क्यों नहीं IMT? आज कह रहे हैं घोषणा, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, IMT बनाएंगे। IMT खरखोदा जो नज़दीक है, KMP पे है, हाईवे पे 10 साल हो लिए घोषणा करे हुए, आज तक वो तो बनी नहीं इनसे। ये IMT एक डिस्ट्रिक्ट में 2 बना देंगे। अरे झूठ बोलो तो कम से कम ठीक तो बोलो, मोदी की तरह तो बोलो जिसमें थोड़े दिन के लिए लोग विश्वास कर ले, बाद में तो वो भी एक्सपोज होना है। अब 20 लाख करोड़ रुपए कहते थे हम देंगे कोरोना के टाइम में, 70 लाख से 74 लाख क्रॉस कर गए लोग, 75 लाख कोरोना पॉजिटिव केस हो गए भारतवर्ष में, लेकिन 20 लाख करोड़ तो कहीं आया नहीं, कहीं सड़कों पर दिखता नहीं। आखिरी में लोगों ने भाई अपनी घर में ही इम्यूनिटी बढ़ाई, एक्सरसाइज करी, दोबारा मैदान में निकले, तो अब कुछ थोड़ी सी अर्थव्यवस्था कोई गाड़ी चलनी शुरू हुई है, वरना तो मार दिया था इन्होंने तो मंडियों में, देखो क्या हाल कर दिया। और ये बिल भी अडानी अंबानी और एक दो और जो है इस तरीके के लोग, इनको फायदा देने के लिए लेके आए, किसी और के लिए नहीं लेके आए। और आने वाले समय में जो कुछ करेंगे, जैसे गीता पे शपथ रखते हैं ना, ऐसे ही मोदी जी ने शपथ ले रखी है और उनके चेले सारे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो अलग अलग प्रदेशों के, चाहे उनका केंद्र का मंत्रिमंडल हो। कहते ना गीता पे रख के मैं कसम खाता हूँ, जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे ही इस सरकार ने संविधान के, जो बाबा साहब का संविधान था उसकी कसम नहीं खाई, इन्होंने ये कहा कि भाई हम जो करेंगे अडानी अंबानी के लिए करेंगे, उसके अलावा किसी और के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये ऐसी सरकार आई हुई है। चुनाव की बात की जाए तो कहते हैं कि जिसकी सरकार होती है पूरी जान जोख देंगे, सारे MLA मंत्री सब वहाँ होंगे, चुनाव वही पार्टी जीतती है, ये कहाँ तक? भाई साहब मैं तो खुद कह रहा हूँ, ताकत उन्होंने नहीं झोंकी हुई, ताकत कांग्रेस ने झोंकी हुई है उनको जिताने के लिए। आप समझ नहीं रहे बात को, जब पूरी कांग्रेस विपक्ष मिलकर के कोई चुनाव लड़ेगी और बाद में क्या करें? अरे भाई वो तो चुनाव जो था ना, वो तो बाई इलेक्शन था, ये तो सरकार का चुनाव है। अरे ये क्या मतलब, हमने भाई रतिया जीता था 30 साल बाद, हमने छीना था वो, तो लोग तो जो है पहले से भूमिका तैयार करने में लगे हुए हैं, लिपापोती होगी। ये चुनाव मात्र एक औपचारिकता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जो अभी सूत्र कहते हैं कि रामविलास जी होंगे, ये रामविलास जी का भी काटा, विज साहब का काटा निकालने के लिए कर रहे हैं उसको, और कोई राजनीति, बड़ी गहरी राजनीति। अब क्या क्या आपको बताऊं मैं 15-20 मिनट के अंदर, ये तो कई सेशन लगेंगे, कई दिन लगेंगे, तब जा करके इनकी पोल पट्टी खुलेगी और आने वाले 4 सालों में यही हमारा अभियान है। ठीक है, देखो अपन तो खुद जो है, हमने तो अभी तक गुलामी करी है, कांग्रेस की गुलामी करी है, तो इक्का तो अब जब आएगा तब खोल देंगे, अभी इक्का कहाँ अपने पास। धन्यवाद, ठीक है सर, शुक्रिया। और नाश्ते के लिए भाई सभी साथियों से, ये अपनी सबकी फेवरेट जगह है, यहाँ पर आप आए, आपका सब धन्यवाद। तो ये थे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर, पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, करनाल में पहुंचे थे, आर्या मिष्ठान पर नाश्ते पर चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव, हाथरस कांड एवं अन्य विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मैं सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस, करनाल। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.